नमस्कार दोस्तों, न्यू एग्जाम में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2019, बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस भर्ती का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है और राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2019 3600 पदों के लिए स्नातक उत्तीर्ण कर सकेंगे आवेदन। यहां पर इससे संबंधित डिटेल्स दी गई है। दोस्तों, 3600 पदों के लिए राजस्थान में ग्राम सेवक के लिए भर्ती निकलने जा रही है। टोटल जो पद है वो है 3648 पदों पर। और दोस्तों, इस भर्ती की घोषणा पहले कर दी गई थी गहलोत सरकार के द्वारा, लेकिन आचार संहिता के कारण यह भर्ती नहीं जारी की जा सकी पिछले महीने। लेकिन अब इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है, यानी इसी महीने इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसका संपूर्ण सिलेबस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस बताऊँगा। यानी इसमें ग्रेजुएशन बेस के जो अभ्यर्थी है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसकी आगे की प्रोसेस। दोस्तों, इसका रिटन एग्ज़ाम होगा और वो होगा टोटल 100 नंबरों का, और जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से इसमें जो विषय होंगे वो होंगे। यहाँ पर सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस, और उसके बाद करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स भी होगा और ये जीके के पार्ट में ही आ जाएगा। उसके बाद रीजनिंग भी होगी और मैथमेटिक्स भी होगी। ये अलग अलग डिवाइडेड नहीं किए गए हैं अभी तक, और ये टोटल जो नंबरिंग है वो होंगे 100, और टोटल जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। और इनका डिवाइड नहीं है कि कौन सा कितने नंबर का होगा। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी भी होगी, और इसके अलावा सामाजिक और कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। टोटल आपका जो फोकस होगा वो जीके के पार्ट पर, रीजनिंग पर, और मैथ और जो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन हैं उन पर होगा। हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या कम होगी, इंग्लिश के क्वेश्चनों की संख्या कम होगी, लेकिन हिंदी के क्वेश्चन थोड़े इंग्लिश की तुलना में इसमें ज़्यादा होंगे। लेकिन अलग अलग इसमें अभी तक डिवाइडेड नहीं किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अगर विस्तार से जानना चाहते हैं कि कौन कौन से इसमें टॉपिक होंगे, तो ये वो यहाँ पर आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जो जनरल अवेयरनेस है और उनका जो सिलेबस है वो यहाँ पर देख लीजिए। इंडियन जो हिस्ट्री है, साइंस है, बजट है, इकोनॉमी है, और कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल पॉलिटिक्स, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। रीजनिंग में आपको जो टॉपिक है वो यहाँ पर देख लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिश्ते से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो सब क्वेश्चन इसमें, जजमेंट, लगभग सभी टॉपिक है रीजनिंग के जो टॉपिक होते हैं। और उसके अलावा मैथमेटिक्स से टॉपिक है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। नंबरिंग सिस्टम है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये सब देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक है ये आप देख लीजिए। मैथ के और इंग्लिश के जो टॉपिक है वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर, कौन कौन से टॉपिक होंगे, टेंस वगैरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं ग्रामर में। और इसके अलावा हिंदी के क्वेश्चन है उसमें, लैंग्वेज इसमें क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसके अलावा सोशल के जो है वो देख लीजिए, जियोग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन भी होंगे। और अब यहाँ पर जो आरएसएस ग्राम सेवक है उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर देख लीजिए, कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, और जिसमें कि प्रोग्रामिंग, कंट्रोल एंड यूनिट और प्रोसेसर से संबंधित होंगे क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर अलग अलग टॉपिक आप पढ़ लीजिए, वीडियो को रोककर भी आप पढ़ सकते हैं इन टॉपिकों को। और दोस्तों, इसके अलावा मैं इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप पूरा का पूरा यहाँ पर इसकी नोटिस है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू एग्जाम पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर भर्ती के अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।